हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम फिर से आप सभी लोगों का के लिए लेकर आ चुके हैं क्लास 12th के यानी कक्षा 12 के रसायन विज्ञान का जो मैं सीरीज लेकर चल रहा था, क्या होता है जब वाले रिएक्शंस का, तो उसी का नेक्स्ट पार्ट लेकर आया हूँ। शायद यह तीसरा या चौथा पार्ट होने वाला है। गाइस, ये सभी रिएक्शंस आपके बोर्ड एग्जाम्स को लेकर इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोगों को जो रिएक्शंस मैं करा रहा हूँ, इन सभी रिएक्शन को याद कर लेना चाहिए, रट लेना चाहिए। तो गाइस, चलिए आज का जो ये रिएक्शंस होने वाला है, ये एल्कोहल और ईथर के ऊपर मैं डिस्कस करूंगा। वैसे तो मैं इन सभी रिएक्शंस को पहले भी कराया हूँ, लेकिन इस टाइम आपको रिएक्शन तैयार करने की बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि एग्जाम डेट्स आने के बाद आप लोग रिएक्शंस को तैयार करने बैठोगे तो याद ही नहीं होगा, इसलिए इसी टाइम याद कर लीजिए। तो गाइस, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए एक बिग अनाउंसमेंट है, एक बहुत ही आवश्यक सूचना है कि 21 मई 2021 को सुबह 11 बजे अल्फा इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर, यानी यहाँ पर ही हम आपको एक बिग सरप्राइज देने वाले हैं। बिग अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए, बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट है हिंदी मीडियम के सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो आप सभी लोग अभी से रिमाइंडर लगा लीजिए, अलार्म लगा लीजिए, 21 मई 2021 को सुबह 11 बजे। ठीक है गाइस, अपने दोस्तों के पास भी इस बात को शेयर कर देना कि उस समय लाइव आना न भूलें। तो गाइस, चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सभी लोग पूरे कंसंट्रेशन के साथ बैठना, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ में बैठना। एक बार माँ सरस्वती को जरूर नमन करना, माँ सरस्वती को जरूर याद करना। एक बार जय माँ सरस्वती सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखें, अपने कॉपी पर लिखें, ताकि माँ सरस्वती का आशीर्वाद आपके साथ बने रहे और उन्हीं के आशीर्वाद से आप सभी लोग बोर्ड में टॉप करने वाले हैं। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ आप सभी लोग बोर्ड में टॉप करने वाले हैं। केमिस्ट्री में तो आपका 90+ नंबर ला के ही छोड़ेंगे, क्योंकि 21 मई को जो बिग अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं, इसमें आपको बहुत ही बड़ा परिवर्तन होने वाला है। आप लोग गेस कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में गेस करिए 21 मई को क्या अलग होने वाला है, क्या सरप्राइज है। ठीक है, आप सभी लोग जो इस समय मेहनत कर रहे हैं, सभी लोगों का 90% आएगा। केमिस्ट्री में तो मैं लाइक ही दिखाऊंगा, जैसे मैं कहूंगा, जिन चीजों को कहूंगा, बस वैसे ही पढ़ते चलना। ठीक है, तो गाइस चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्योंकि गाइस देखिए, जो इस टाइम नहीं पढ़ रहा है लेकिन जो पढ़ रहा है उसके बीच में एक डिफरेंस बन जाएगा, क्योंकि जिस दिन टाइम टेबल आएगा उस दिन सभी लोग पढ़ने स्टार्ट करेंगे। लेकिन आगे कौन निकलेगा रेस में, आगे कौन निकलेगा, जो इस टाइम पढ़ रहा है। ये बात मैं हर क्लास में कहता हूं ताकि आप मोटिवेटेड रहिए पढ़ने के लिए, और सच्चाई यही है, आगे रेस में वही निकलेगा जो इस टाइम पढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि टाइम टेबल आने के बाद तो सभी पढ़ने स्टार्ट करेंगे, घोड़े भी और गधे भी। लेकिन आपको घोड़ा बनना है, पहले से जितना वे स्टार्ट करेंगे उतना आपको चले जाना है, उसके बाद केवल रिवीजन चलेगा, केवल रिवीजन चलेगा। ठीक है, और हम भी रिवीजन कराएंगे बेहतरीन तरीके से। बाकी सरप्राइज 21 मई वाला तो आपके लिए बहुत ही बड़ा होने वाला है। ठीक है, चलिए सबसे पहला रिएक्शन है आज का कि एथिल एल्कोहल को, जिसे आप लोग एथिल एल्कोहल कहते हैं, एथिनॉल भी कहते हैं। सबसे पहला रिएक्शन आज का कि एथिल एल्कोहल को सल्फ्यूरिक अम्ल के अधिक्या में गर्म करते हैं तो क्या होता है। एथिल एल्कोहल को सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के आधिक्य में गर्म करने पर 413 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर, ठीक है, केल्विन पर गर्म करने पर क्या होता है, जिसे आ रहा है यह रिएक्शन कमेंट बॉक्स में लिखे, तुरंत कमेंट बॉक्स में लिख डाले जिसको ये रिएक्शन आ रहा है, इसमें क्या बनता है ये जरा आप बताइए। वैसे मैं लास्ट क्लास में इसको मैं बताया था, फिर से मैं करा रहा हूँ, टेस्ट ले रहा हूँ आपका। कमेंट बॉक्स में कमेंट करो अगर आ रहा है आप लोगों को, तो क्या होता है जब एथिल एल्कोहल को H2SO4 के साथ में गर्म करते हैं 413 केल्विन पर, क्या होता है जब एथिल एल्कोहल को H2SO4 के साथ में 413 केल्विन पर गर्म करते हैं, तो देखिए क्या बनता है आपका, ईथर बनता है। ईथर बनता है, कैसे बनता है, आइए देखिए। ये जो H2SO4 है, ये जो H2SO4 है, ठीक है, सॉरी C2H5OH है, ठीक है, इसके दो अणु को गर्म करते हैं, C2H5OH को, ठीक है, इसके दो अणु को गर्म करते हैं कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर, 413 डिग्री सेंटीग्रेड पर
H2SO4 की उपस्थिति में, वो भी सांद्र, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं। देखिए ये दो अणु हैं किसके, C2H5OH के, दो अणु को 413 डिग्री सेंटीग्रेड पर सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो ईथर कैसे बनता है, आइए रिएक्शन को सीखते हैं। मान लीजिए आप एग्जाम में भूल गए, आपके सामने ये रिएक्शन दे दिया, तो इतना समझना जहां पर भी किसी भी रिएक्शन में, याद करने का ट्रिक बता रहा हूं, दिमाग खोल के बैठना, जहां पर भी किसी रिएक्शन में दो OH लगे, दिखाई दे दो OH, तो आपको पहला काम करना है यहां से H2O को बाहर निकालना है, किसी भी तरीके से घुमाना है, तोड़ना है, मोड़ना है, उससे नहीं मतलब, लेकिन H2O को बाहर निकालना है, ये ट्रिक है यहां का। आइए इसको H2O बाहर निकालना, क्योंकि दो OH दिखाई दे रहा है, ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए, कोई भी रिएक्शन हो अगर वहां पे दो OH दिखाई दे तो यहां से H2O बाहर निकालना है। वैसे केमिस्ट्री में कुछ कहीं कहीं पर अपवाद भी होता है, हर जगह मत लगाने लगना, ठीक है, लेकिन ये ट्रिक है अगर आप पहले से पढ़े होंगे तो, ठीक है। आइए इसको हम करते हैं, कैसे करेंगे, कैसे निकालेंगे, इस रिएक्शन को कैसे कंप्लीट करेंगे। C2H5OH, दूसरा अणु क्या है, इसको हम दूसरे अणु को OH या HO C2H5 लिखते हैं, ठीक है, इस तरह से लिखते हैं, मतलब इसको घुमा दिया हम लोग। तो यहां से मुझे जल निकालना है, तो जल कब निकलता है, जब H और OH आपस में क्रिया करता है तभी तो जल निकलता है H2O के रूप में बाहर। जल कब निकलता है, जब H और OH आपस में क्रिया करता है तब, बोलिए जरा, जब H और OH क्रिया करता है तब जल बाहर निकलता है। तो यहां से देखिए जरा, यहां से देखिए, यह OH है और यह H है, आपस में क्रिया कर लिया भाई साहब, क्रिया कर लिया सब, क्योंकि जल तो निकालना है बाहर, और यहां से आपका यह प्लस है H2O बाहर निकल गया, ठीक है। अब बचेगा क्या यहां पे, यहां पे बचेगा क्या, सोचिए जरा, यहां से OH खत्म कर देते हैं C2H5 में से, और यहां से H खत्म कर देते हैं, तो इसका O आके जुड़ जाएगा, C2H5 हो जाएगा, ये डाइएथिल ईथर बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, डाइएथिल ईथर बन जाएगा, C2H5O C2H5, ये बन जाएगा, इसे हम लोग कहते हैं डाइएथिल ईथर, डाइएथिल ईथर कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, डाइएथिल ईथर कहते हैं। ये रिएक्शन होता है, इस तरह से याद करोगे तो रिएक्शन लास्ट टाइम तक याद रहेंगे, लेकिन ये डिग्री सेंटीग्रेड जरूर याद रखना, 413 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, नोट कर लीजिए सभी लोग एक बार इसे। अच्छा एक चीज़ और है, एक रिएक्शन और है, वैसे तो ये पूछा नहीं है कभी, जाने दीजिए, नहीं कराते, नहीं करा ही देते हैं, ठीक है, बहुत ईजी रिएक्शन है, ठीक है। ईजी रिएक्शन क्या है, ये रिएक्शन ये पूछता है कि एथिल अल्कोहल को, लिखिए आप सभी लोग, एथिल अल्कोहल को वाष्पक को, एथिल अल्कोहल की वाष्प जो होता है उसको एल्युमिनियम के ऊपर 523 केल्विन के टेम्परेचर पर प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, ठीक है, ये है रिएक्शन। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिख देते हैं, देखिए ये पूछा नहीं है लेकिन फिर भी आप, दोनों रिएक्शन एक ही टाइप का है तो लिख लीजिए, इसमें भी वही होता है, ठीक है। क्या होता है, जब होता है, जब एथिल अल्कोहल को 523 केल्विन ताप पर, 523 केल्विन ताप पर, एथिल अल्कोहल को 523 केल्विन ताप पर, एथिल अल्कोहल को 523 केल्विन ताप पर एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 पर प्रवाहित करते हैं, क्या होता है, जब एथिल अल्कोहल को 523 केल्विन ताप पर एल्युमिनियम ऑक्साइड पर प्रवाहित करते हैं, तब, ये क्वेश्चन है आप सभी के सामने। अब इस रिएक्शन को कैसे करोगे, इसमें भी आपका ईथर ही बनता है, इस बात जानना, इसमें भी ईथर ही बनता है, सेम यही रिएक्शन है, लेकिन यहाँ पे ये जिसके उपस्थिति में यह क्रिया होती है वही चेंज हो जाता है। ये रिएक्शन कैसे होता है, देखिए C2H5OH ये है आपका प्लस, दो अणु का लेते हैं, दो अणु का लेते हैं, ठीक है, इसकी क्रिया कराते हैं Al2O3 पर उपस्थिति में, कितनी डिग्री सेंटीग्रेड पर, 523 केल्विन पर, ठीक है, केल्विन पर, तो सिमिलरली यही देता है C2H5O C2H5O प्लस H2O। बात यह है कि ये दोनों रिएक्शंस मैं इसलिए करा दिया, ये रिएक्शन कभी पूछा नहीं है लेकिन ये दोनों रिएक्शन एक ही टाइप के हैं, इसलिए मैं करा दिया, ठीक है, ताकि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सही रहे, लेकिन ये रिएक्शन बार बार भर भर के पूछा है,
बार बार ये रिएक्शन पूछा है या नहीं पूछा है, ठीक है। तो नोट कर लीजिए सभी लोग दोनों रिएक्शंस को। अब जो मैं रिएक्शन इसके बाद कराने वाला हूं, ये 100% वाला रिएक्शन है, 100% वाला रिएक्शन है। आइए कराते हैं, नोट तो कर ही लिए होंगे आप सभी लोग। 21 मई 2021, याद रखना सभी लोग, 21 मई 2021 को बिग सरप्राइज आप लोगों के लिए, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बिग सरप्राइज, अल्फा इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर, यानी इसी यूट्यूब चैनल पर, याद रखना 21 मई 2021। आप लोग गेस कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में क्या होने वाला है अलग 21 मई 2021 को, ठीक है। क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है अब का, क्वेश्चन क्या है, ईथर का हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ में अभिक्रिया, ठीक है, क्या होता है जब ईथर का HI हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ में क्रिया, ईथर का हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ में क्रिया, ईथर का हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ में क्रिया, ये क्वेश्चन है। जरा सोचिए क्या होता है, आप लोग बताइए। देखिए दो चीज़ें होती हैं हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ में क्रिया, एक तो ठंडे में होती है, एक गर्म में होती है। तो आप सभी लोग ये बताइए पहले ठंडा में क्या होता है, क्योंकि पहले ठंडा होते हैं फिर गर्म होते हैं, कि पहले गर्म होते हैं तब ठंडा होते हैं, पहले ठंडा होते हैं फिर गर्म होते हैं, दोनों में डिफरेंस होता है, गर्म यहाँ लिख रही, दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। बताइए एक बार कमेंट बॉक्स में सभी लोग फटाफट कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए, जिन्हें आ रहा है, जिन्हें नहीं आ रहा है अन्य लिखें कि नहीं आ रहा है, एक्सेप्ट करें कि मुझे नहीं आ रहा है। क्योंकि देखो अगर आप कोई गलती करते हो, अगर गलती आपको पता चलता है, अपनी गलती को मानते हो, तभी आप उसमें सुधार कर सकते हो, तभी आप उसमें सुधार कर सकते हो, ठीक है। बताइए, चलिए मैं बता रहा हूँ, देखिए दो चीज़ें होती हैं, अगर ये डाई एथिल ईथर को C2H5O C2H5, ठीक है, इसकी क्रिया HI के साथ में, पहली क्रिया ठंडा में, ठंडा में करवाते हैं, इसी तरह से C2H5O C2H5 इसकी क्रिया HI के साथ में गर्म में कराते हैं, तो दोनों में क्या होता है, देखिए ध्यान रखो, जब इसकी क्रिया ठंडे में कराते हैं, जब ठंडे में कराते हैं तो अभी मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ, अभी मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, ठीक है, परेशान मत होना। जब मैं ठंडे में इसकी क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, शराब बनता है। देखिए शराब दारू ये सब कब पीते हैं लोग, जब थोड़ा माइंड को कूल करना होता है तभी तो पीते हैं, जो यहाँ पे ठंडा है तो ठंडा में माइंड कूल करना है, तो जब कूल करना है यहाँ पर तो शराब बनाएंगे। शराब बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, आपको मालूम होता है जो एथिल अल्कोहल होता है यही शराब होता है, एथिल अल्कोहल ही आपका शराब होता है। एथिल अल्कोहल बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यह जो यच है इस यच को यहाँ तक लेके आके रख देंगे, तभी तो एथिल अल्कोहल बनेगा, तो वही करेंगे यहाँ पर C2H5OH हो जाएगा, बाकी जो ये आई बचा इसके साथ में क्रिया करेगा C2H5I। तो ये ट्रिक याद रखना, ठंडा में शराब पीते हैं, ठंडा में शराब पीते हैं, अब छोड़िए और एग्जाम्पल छोड़िए, जो आपका कोल्ड ड्रिंक आता है उसी में दारू मिला के पीते हैं कुछ लोग, वैसे आप लोग नहीं पीते होंगे, या कुछ लोग हैं पीने वाले, पीने वाले हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो अगर पीने वाले हैं तो ट्रिक यही है आपके सामने कि ठंडे में शराब मिला के पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक में शराब मिला के पीते हैं, शराब मतलब एथिल अल्कोहल। तो आपको अगर ठंडा में क्रिया कराना हो तो ये ट्रिक याद रखना कि दारू मिला के पियेंगे, ठीक है, हो गया कंप्लीट। याद करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, चुटकी में याद हुआ कि नहीं याद हुआ, याद हुआ हुआ ना, रिएक्शन में कोई दिक्कत, यस यच को उठाकर यहाँ पे लिखना है, इस आई को यहाँ पे रखना है। फिर से मैं आपको याद दिला दूँ 21 मई 2021 बहुत बड़ा सरप्राइज आप लोगों के लिए होने वाला है, जुड़ना ना भूलें, अल्फा इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर एक लाइव सेशन होगा सुबह 11 बजे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगर गर्मी में बात करते हैं, गर्मी में बात करते हैं, भाई साहब जरा सोचिए दिमाग से, सही अब मैं जो पूछ रहा हूँ सब इसका जवाब सभी लोग देना कमेंट बॉक्स में, अगर आप लोग ऑफलाइन देख रहे हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना, अगर आप प्रीमियम में देख रहे हैं तब पर भी लिखना। क्या है कि अगर आप गर्म रहोगे, लोहा गर्म है तो उस पर क्या डालते हो, दूध डालते हो,
दूध डालते हो? नहीं ना, क्या डालते हो? पानी डालते हो। तो सबसे बड़ी बात, ये गर्म में क्रिया हो रही है, यहाँ पे पानी बनेगा, पानी बनेगा। अब पानी पहले बनाना है, पानी बनाने के लिए हमें यहाँ पे 2HI लिया जाता है। पानी बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जरा सोचना। देखिए यहाँ पर O तो है, यहाँ पर अगर 2H आ जाएगा, 2H आ जाएगा तो H2O बन जाएगा, इसीलिए यहाँ पे मैं 2 से गुणा किया, ताकि यहाँ पर O तो है, यहाँ पे 2H हो जाएगा तो H2O बन जाएगा, H2O बन जाएगा, ये तो आपका H2O बन गया। लेकिन H2O बनने से काम नहीं बनेगा ना, बाकी जो बचेगा आई के साथ जुड़ जाएगा। क्या बचेगा? एक तो C2H5, एक ये C2H5, यानी 2C2H5 आई बनेगा, जिसे आप लोग डाई एथिल आयोडाइड कहोगे, ठीक है। तो ये गर्म और ठंडा में क्रिया हो गया। देखो मैं इतना फनी तरीके से मैं बता रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ये याद रहे आपको। रिएक्शन भूल जाता है, ये सत्य है, रिएक्शन को याद रखने के लिए प्रैक्टिस और मेहनत की जरूरत पड़ती है, जो कि आपसे नहीं होता है, और वही मैं करा रहा हूं, ठीक है। इसे नोट कीजिए सभी लोग। अच्छा ठीक है, ये दो रिएक्शन तो हो गया है, इसमें सामान्य टेम्परेचर था। मैं एक रिएक्शन और लिखने जा रहा हूँ, हो सकता है एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करे, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एग्जामिनर कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन आपको नहीं होना है कंफ्यूज। आइए एग्जाम एक क्वेश्चन लिखते हैं आपके सामने। क्वेश्चन क्या है लिखें? देखिए डाई एथिल ईथर को लाल फास्फोरस की उपस्थिति में HI के साथ अभिक्रिया लिखिए। मतलब ईथर का लाल फास्फोरस की उपस्थिति में HI के साथ क्रिया लिखिए। ईथर का लाल फास्फोरस की उपस्थिति में HI के साथ क्रिया लिखिए, यही क्वेश्चन है। ईथर का लाल फास्फोरस की उपस्थिति में HI का क्रिया लिखिए। लाल फास्फोरस की उपस्थिति में, यहां पर किसी की उपस्थिति में क्रिया नहीं होती, लेकिन यहां पर लाल फास्फोरस की उपस्थिति में क्रिया होती है। मैं इसलिए इसे लिखा रहा हूं, सच्चाई में बताऊं, देखिए ये बोर्ड में नहीं पूछा गया था, मैं बता रहा हूं कहां पर पूछा गया था। मैं ये क्वेश्चन आप लोग पता नहीं कितने लोग जानते हैं, जो जानते हैं वे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। एक एग्जाम्स होता है, पता नहीं आप लोग जानते हो कि नहीं जानते हो, BHU का नाम, BHU का एक एग्ज़ाम होता है, BHU BSC का, ठीक है। तो BHU BSC का नहीं, BHU में एक एग्ज़ाम होता है जियो फिजिक्स का। किसका? जियो फिजिक्स का। कुछ लोग कहेंगे सर ये जियो फिजिक्स क्या होता है, कुछ लोगों के लिए नया होगा, उसमें केमिस्ट्री क्यों पूछा जाएगा, ये भी आप लोगों के डाउट्स होगा। देखिए ये जनरल क्वेश्चन है एक तरह से। जियो फिजिक्स में क्या होता है, आपके जियोग्राफी मतलब भूगोल और फिजिक्स दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, और ये दोनों जियो फिजिक्स के जो क्वालिफाइड करते हैं वे जो जहाँ पे खदान उदान निकलता है, जैसे आपका लोहार चांदी ये जब जहाँ निकलेगा तो वहाँ पे उनका उसमें सिलेक्शन होता है। तो जियो फिजिक्स के पेपर में पूछा था, ठीक है। दरअसल ये क्वेश्चन पेपर मैं नहीं दिया था, पेपर जो दिया था वो मुझे पेपर भेजा था, सेंड किया था टेलीग्राम पे, तो उस पेपर को मैं देख रहा था, तो क्वेश्चन मेरे दिमाग में था, चूँकि मुझे याद था ये क्वेश्चन का आंसर, इसलिए मैं आपको करा दिया, ठीक है। ये क्या है, ईथर का लाल फास्फोरस की उपस्थिति में हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ किया। देखिए ये क्या हुआ, पढ़ाई कैसे की जाती है, देखिए अभी तो आप लोग जो कर रहे हो वो कर रहे हो, लेकिन आगे जब रिएक्शंस की पढ़ाई कैसे करोगे, रिएक्शन की पढ़ाई करने के लिए आपको ये कैटराइज करना होगा कि ईथर का HI के साथ में क्रिया, ईथर का HI के साथ में क्रिया, मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ में क्रिया, जितना भी होता है आपको एक साथ पढ़ना होगा, एक पेज पे लिखना होगा। इससे क्या होता है कि पूरा जितना, चूंकि देखिए आपके बोर्ड में तो सिलेबस निर्धारित है कि यहाँ से ही रिएक्शन पूछेगा, लेकिन कम्पिटेटिव एग्जाम में बैठोगे तो वहाँ तो कुछ नहीं निर्धारित है भाई साहब, तो क्या करोगे। वैसे कम्पिटेटिव एग्जाम्स में अधिकांश रिएक्शन आपके एथीन वाले चैप्टर से बनते हैं, एल्काइन वाले चैप्टर से, क्योंकि वहाँ पे मैकनिज्म होता है, मैकनिज्म के आधार पे काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं, फिर भी अधिकांश आपको इस तरह से रिएक्शन लिखना होता है, ठीक है। जब आप लोग इसमें से कुछ लोग जाएंगे कोटा वगैरह तैयारी करने तो उनको पता चलेगा ना। फिलहाल अगर तैयारी मैं भी कराऊंगा आप लोगों को, परेशान मत होना, बेहतरीन तरीके से कराऊंगा ना।
अच्छे से। चलिए ठीक है, क्वेश्चन को देखते हैं। ईथर का लाल फास्फोरस के साथ में क्रिया कैसा होता है? ठीक है, आप सभी लोग अल्फा इंस्टीट्यूट परिवार से जुड़े हो, मेरे छोटे भाई बहन हो, अगर आप लोगों को कैरियर में कोई भी गाइडेंस चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर। कॉल करिए, पूछिए, क्योंकि ट्वेल्थ के बाद कुछ भी करना चाहते हैं उसमें एक सही डिसीजन का बहुत ही ज़रूरत होती है। आप एक आदमी से नहीं, 10 आदमी से पूछकर अपना डिसीजन लीजिए। जो भी है, मैं मुझको जो अच्छा होगा मैं आपको बताऊंगा। अन्य चीज़ को भी कुछ भी अच्छा लगे उसे पूछ लेना। सभी लोग पूछने के बाद डिसीजन करना कि हाँ क्या सही होगा सर, मैं बताऊंगा आपको। मैं इतना तो कर ही सकता हूँ आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि आप मेरे छोटे भाई बहन के समान हो। एक छोटी सी गलती, एक छोटा सा डिसीजन ट्वेल्थ के बाद का आपको बहुत ही पीछे ले जा सकता है और बहुत ही आगे ले जा सकता है। ठीक है, वैसे ये सब फालतू की बातें कुछ लोगों को लग रही होंगी, लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण बात है आप सभी के लिए, क्योंकि कैरियर की बात है, ये फालतू नहीं कहा जा सकता इसे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है? ईथर का लाल फास्फोरस की उपस्थिति में क्रिया हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ में तो कैसे होता है? कभी मैं बताऊंगा अपने बारे में, ठीक है, परेशान मत होना। जो आप लोग सोच रहे हो वह सब चीज़ें मैं, चलिए इस रिएक्शन को देखता हूँ। ठीक है, ईथर का क्रिया किसके साथ में कराना है? लाल फास्फोरस के साथ में कराना है। देखिए, ये डाइएथिल ईथर है, C2H5O C2H5, ये आपका डाइएथिल ईथर है। इसकी क्रिया लाल फास्फोरस मतलब 2HI के साथ में कराएंगे। ये लाल से लिख रहे हैं क्योंकि लाल फास्फोरस है यहाँ पे, ये लाल फास्फोरस उपस्थिति है, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में। जरा आप लोग गेस कीजिए, जिनको भी आ रहा है कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या बनेगा, क्या बनेगा यहाँ पे। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, मेरा वह कंसेप्ट काम करेगा जहाँ पे गर्मी वाला बात होती है। गर्मी में हमेशा जल बनता है, तो यहाँ पर भी जल बनेगा, यहाँ पर भी जल बनेगा, यहाँ पर भी जल बनेगा। क्या H2O तो बनेगा, लेकिन साथ में आपका ये नहीं बनेगा, साथ में आपका बनेगा C2H4 बनेगा, जिससे आप लोग एथेन बनता है, इथेन C2H6 बनता है। ठीक है, C2H6 बनता है। ठीक है, ये बनता है 2-ethene, ये बनता है। ठीक है, ये प्रोडक्ट के रूप में आता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था वहाँ पे? क्वेश्चन ये पूछा गया था कि ईथर का लाल फास्फोरस की उपस्थिति में हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ में क्रिया करके क्या देता है। ऑप्शन में दिया था एथीन, मेथीन, लेथीन, सेथीन, सब कुछ दिया था। उसमें एल्कोहल भी दिया था, एल्कोहल दिया था, एथीन दिया था, ये क्या एथिल आयोडाइड दिया था, ये सभी दिया था। ठीक है, लेकिन जो पढ़ा रहेगा वो करके आएगा, जो नहीं कर रहेगा एल्कोहल आयोडाइड में कंफ्यूज हो जाएगा। कुछ लोग सोचेंगे लाल फास्फोरस मतलब गर्मी में क्रिया कराई जा रही थी, ये वाला कर देंगे तो गलती हो जाएगी। ठीक है, पढ़ाई के लिए ट्रिक की बहुत आवश्यकता होती है। ठीक है, थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, अब ये आपका आज एल्डिहाइड और कीटोन की जो क्रियाएँ थी खत्म हो चुकी हैं। ठीक है, इसके आगे मुझे कराना है, इसके आगे भी मुझे कराना है। ठीक है, इसके आगे कराना है, लेकिन समस्या ये है कि क्या बताएं, हम गलती हो गई है। चलिए ठीक है, 2-3 रिएक्शन और कर लेते हैं। ठीक है, दरअसल जो कैमरा जो है वह चार्ज नहीं है। ठीक है, क्या बताएं, कैमरा चार्ज नहीं है, इसलिए मैं देखने गया था कहीं बंद ना हो जाए। ठीक है, जब तक चलता है, क्योंकि 15% बस है। भूल गया था चार्ज करने के लिए। चार्ज करने भूलना क्या है, सच्चाई है कि मेरे यहाँ बहुत आंधी वगैरह आया था ना, जिसकी वजह से लाइट नहीं आई थी। इन्वर्टर से कैमरे की बैटरी को चार्ज नहीं करते हम, ताकि ख़राब हो जाएगा इन्वर्टर से ना। इन्वर्टर से पढ़ा रहे हैं अभी, यहाँ लाइट नहीं आ रही है, क्या करें, यही वजह है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका? देखिए, अब जो मैं पढ़ाऊंगा क्वेश्चन, ये आपका होगा एल्डिहाइड और कीटोन का। ठीक है, कहाँ से? एल्डिहाइड और कीटोन का। एल्डिहाइड और कीटोन से मैं दो रिएक्शन आपको करा रहा हूँ। पहले क्या है, कीटोन का जो है एथिल ग्लाइकोल के साथ अभिक्रिया, कीटोन का पहले तो ये लिखेंगे ना, क्या होता है जब, ऊपर लिख दे रहे हैं क्या होता है जब। ठीक है, नंबर एक, कीटोन का एथिल ग्लाइकॉल के
साथ क्रिया होता है तब, क्या होता है जब कीटोन का एथिल ग्लाइकल के साथ में क्रिया होता है तब? एथिल ग्लाइकल क्या होता है आपको मालूम है? ये CH2OH, CH2OH, ठीक है, ये एथिल ग्लाइकॉल होता है। क्या होता है? ये एथिल ग्लाइकॉल होता है। इसकी क्रिया जब कीटोन के साथ में होती है, कीटोन का मतलब CH3 CH3 C डबल बॉन्ड हो, ये कीटोन है, कीटोन है, इसकी क्रिया एथिल ग्लाइकॉल ग्लाइकॉल के साथ में हो रही है तो क्या बनता है? देखिए क्या बनता है, देखिए मैं आपको एक ट्रिक बताया था अभी, ट्रिक क्या बताया था, ट्रिक यह मैं बताया था कि जहां पर भी दो ओ एच दिखाई दे, बताया था ना लेक्चर के आरंभ में, बताया था कि नहीं, जहां पर भी दो ओ एच दिखाई दे आपको जल बाहर निकालना है। क्या निकालना है? जल बाहर निकालना है। यहां पर भी दो ओ एच दिखाई दे, क्या इसी में से जल निकाल देंगे बाहर? नहीं निकालेंगे तो क्रिया ही कैसे होगा, जल इसके साथ बाहर निकालना है ना, तो कैसे रिएक्शन होता है देखिए, समझिएगा सभी लोग मैग्नीशियम इसका, CH3 CH3, ये दोनों तो है आपको, देखिए रिएक्शन समझिए रहोगे तो याद रहेगा लास्ट टाइम तक। इसकी क्रिया करा रहे हैं किसके साथ? CH2 CH2 इसके साथ, ठीक है, क्रिया करा रहे हैं OH HO जिसे कहते हैं HO, ठीक है, इसके साथ में, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पे देखिए ध्यानपूर्वक समझिए, इस भी ध्यानपूर्वक समझिए, ये देख रहे हैं दोनों यच ये है, दोनों यच ये है, ये ऑक्सीजन आपस में क्रिया करेगा और H2O निकालेगा, तो यहाँ से प्लस H2O लिख सकते हो, ठीक है, निकालेगा H2O बाहर, बचेगा जो एक साथ लिख देंगे वही प्रोडक्ट होगा। तो इसमें आपको कुछ याद करने वाली चीज़ है, याद करने वाली चीज़ है क्या? एथिल ग्लाइकॉल का सूत्र, कीटोन का सूत्र, इसके अलावा कुछ नहीं याद करने वाली चीज़ें हैं, ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको ये टिप पर आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर मेरा ट्रिक हुआ काम करे, अगर दो OH तो जल बाहर, दो OH तो जल बाहर, पानी बाहर, ठीक है, दो OH तो जल बाहर, तो जल बाहर निकाल दिए, ठीक है। अब देखिए इसको जो बचा इस तरह से लिख दिए CH3 CH3 O, ठीक है, नहीं वो तो बाहर निकल गया ना, C, और इस C को दोनों ऐसे ऐसे जाके जोड़ेंगे वो CH2 CH2, और ये ऐसे हो जाएगा प्लस CH2, ठीक है, ये प्रोडक्ट बनेगा। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम क्या होता है, इसे आप इसका नाम छोड़िए, जाने दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं लिखने की, बताएंगे कन्फ्यूज हो गए तो। एक ये और रिएक्शन है, लिख लीजिए, और इस क्लास में बस इतना, इसको भी लिख लीजिए, अपने कापी पर लिखेंगे तो क्या होगा कि चीज़ें आपको याद रहेंगी। तो इस क्लास में बस इतना ही करते हैं, 3-4 रिएक्शन आपको सीखने को मिला है यहाँ पे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, याद रखना 21 मई 2021 सुबह 11 बजे, ठीक है, सब काम छोड़कर जरूर आना वहाँ पे, अभी से अलार्म लगा लीजिए, एक सप्ताह पहले मैं बता रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।